पढ़ रहे हो? क्या है? टपके का डर हिंदी है, हिंदी का एग्जाम है। तो तुमको मालूम है आज क्या है? आज का दिन याद है? मालूम है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में मस्त स्वस्थ और व्यस्त होंगे और इन्हीं व्यस्तता के बीच में समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखेंगे। तो अभी दिन के 12 बज रहे हैं और आज है तारीख क्या है? आज है 14 सितंबर। और 14 सितंबर आपको तो याद ही होगा कि आज हिंदी दिवस है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को भी मेरी तरह अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार होगा, क्योंकि हर किसी को अपनी मातृभाषा से प्यार होता है। और मैं तो खैर हिंदी हूँ, हिंदी भाषी ही हूँ, और मुझे अपने मातृभाषा से, अपने क्षेत्रीय भाषा से बहुत प्यार है। मेरा YouTube पे 2 चैनल है। एक चैनल पे मैं अपनी मातृभाषा में वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, और एक चैनल पे मैं अपने क्षेत्रीय भाषा में ब्लॉग बनाती हूँ। एक मगही चैनल है और एक हिंदी चैनल है। तो सोचिए कि मैं हिंदी से अपना कितना प्यार करती हूँ, मातृभाषा से और क्षेत्रीय भाषा से। और आज मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल, जो कि प्लान करके नहीं बना रही हूँ, अटेंडम बना रही हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों बाद बेसन का कढ़ी चावल बना रही हूँ। मैं ऐसे जनरली बेसन से बनाती नहीं हूँ, जनरली मैं दाल भिगा के और उसको पीस के बनाती हूँ। तो आज मैं बेसन से बना रही हूँ। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मेरी बेटी स्कूल गई है, आज एग्जाम चल रहा है, वो आएगी तो खुश हो जाएगी, कढ़ी के नाम से ही खुश हो जाएगी। चाहे किसी भी चीज़ का बना हुआ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि बेसन का मम्मी बनाई है या दाल का बनाई है। आज हमारे पास घर में मिठाई आया है, बच्चों को खिलाएंगे। आज सुबह सुबह मेरे घर मेरे पति के ऑफिस के कलीग आए थे, आरके सिंह जी हैं। मैं एक ब्लॉग में दिखाई भी हूँ कि मैं पतरातू गई थी शादी में, यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहली बार किसी शादी में पतरातू गई थी। तो आर के सिंह जी की लड़की का शादी था, वो आज रिटायर होकर यहाँ से चले गए हैं और किसी वजह से यहाँ आए होंगे। तो आज सुबह सुबह मिलने आए थे हम लोगों से, तो बच्चों के लिए ये मिठाई लेके आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मिठाई लाने के लिए। और तो मैं अभी बच्चों को, मेरा बेटी तो स्कूल चली गई है और बेटा देखा भी नहीं है कि अंकल मिठाई लाए। हिंदी दिवस है तो पहले उसको हिंदी दिवस की मिठाई खिला देती हूँ, आप भी टेस्ट कर लीजिए। रसमलाई है, बहुत अच्छा है और फ्रेश है। बेटा को देती हूँ, देखती हूँ कि उसका क्या एक्सप्रेशन रहता है, देखा नहीं है, अभी मिठाई देता ही नहीं है। क्या कर रहे हो? मिठाई खाओगे? नहीं खाओगे? नहीं मन है? क्या करके रहे हो? पढ़ नहीं रहे हो, खाली के देख रहे हो? यही रख देती हूँ, खा लेना, मुझे मालूम है कि तुम तो खाओगे ही। नहीं खाना है? किस चीज का एग्जाम है? क्या पढ़ रहे हो? क्या है? टपके का डर हिंदी है, हिंदी का एग्जाम है। तो तुमको मालूम है आज क्या है? आज का दिन याद है? मालूम है, है? आज हिंदी दिवस है, पढ़ो हिंदी मन लगा के। ना ना, आज हिंदी दिवस है, मन लगा के पढ़ो। और कितना नंबर आना है जो तो तुमको पता ही है ना, इसलिए पढ़ो। मैं खाना बनाती हूँ और मिठाई भी खा लेना। मुझे मालूम है कि तुम वीडियो में खाली बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, उसके बाद तो खा ही लोग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर लीजिए,
जिससे कि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज की वीडियो में कुछ खास नहीं अटेंडम बनाना शुरू कर दी हूँ कि आज हिंदी दिवस है, तो चलिए अपने चाहने वालों को शुभकामना तो जरूर दे दूँ। और बाकी तो मेरा अपना काम चलते ही रहता है, इधर किचन में खाना भी बन रहा है और इधर कपड़ा भी धो रही हूँ मशीन में, हाथ में नहीं, अब जमाना हाथ वाला गया, बहुत बच्चों का धोना पड़ता है कुछ कुछ कपड़ा हाथ से। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और मेरा साथ देते रहिए। और अगर मगही पसंद आता हो, क्षेत्रीय भाषा मेरा पसंद आता हो, तो मेरे मगही चैनल पर भी जाके विजिट कीजिए। अभी देखिए मौसम बहुत सुहाना है यहाँ का, सुबह से धूप तो नहीं निकला था, अभी मीठा सा धूप निकला हुआ है जो कि बहुत हार्ड नहीं है, कपड़े सूख जाएंगे, शरीर में गर्मी नहीं लगेगी, मतलब मौसम एकदम सदाबहार सुहावना बना हुआ है। तो वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें अपने हिंदी से बहुत प्यार है, प्रेम है, और आप भी अपना प्रेम हिंदी से बनाए रखिए।